बता दें कि 2024 नीट रिजल्ट के बाद से काफी कंट्रोवर्सी हुई और कंट्रोवर्सी के बाद लगातार एनटीए के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा था और ये भी सवाल था कि अगले ईयर जो भी जेई का एग्जाम हो या फिर नीट का एग्जाम हो वो एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट करेगा, एजेंसी वही रहेगा या फिर एजेंसी को चेंज किया जाएगा। तो बच्चों अब ये क्लियर हो चुका है कि अगले बार जो भी एग्जाम होने वाले हैं चाहे वो जेई का एग्जाम हो या फिर नीट का एग्जाम हो वो एग्जाम एनटीए के द्वारा ही कंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि कल यानी 17 अक्टूबर को एनटीए के द्वारा दो नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें फर्स्ट में ये क्लियर कर दिया गया है कि अगला जेई मैन का एग्जाम यानी 2025 में जो जेई मैन का एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम एनटीए ही कंडक्ट कर रहा है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा बदलाव आया है जो एग्जाम के पैटर्न में है, जेई मैन के जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न था उस पैटर्न में भी एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। आपको बता दें 2019 के बाद से जेई मैन का एग्जाम एनटीए को दे दिया गया था, उससे पहले यह एग्जाम सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया जाता था। तो वहां पर एक पैटर्न चेंज किया गया था कि आपको टोटल 25 क्वेश्चन ही करने हैं, उससे पहले जो पैटर्न था उसमें 30 क्वेश्चन मिलते थे और टोटल क्वेश्चन करने होते थे, फिर उसमें 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन एमसीक्यू होता था, यानी यहां पर यह किया गया कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इसमें आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, इसमें भी 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, मैथ्स के भी 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। इसमें आपको 2019 में जो पैटर्न सेट किया गया था तो 20 में जो भी एग्जाम हुआ उसमें 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज थे, एमसीक्यूज, और यहाँ पर जो 5 क्वेश्चन था ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, इंटीजर टाइप था, यानी आपको सॉल्व करके उसके बाद जवाब इंटीजर में देना था। फिर उसके बाद यही पैटर्न फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पे 2020 के एग्जाम में अप्लाई किया गया था, लेकिन कोविड के बाद से एक जो सिस्टम पूरे तरह से अस्त व्यस्त हो गया था जहां पे बच्चे सही ढंग से पढ़ नहीं पा रहे थे, तो वहां पर फिर एक डिसीजन लिया गया 2021 में, उसमें यह तय किया गया कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सभी में आपको करने 25 क्वेश्चन ही होंगे, करने 25 क्वेश्चन ही होंगे, लेकिन यहां पर आपको दिए जाएंगे 30 क्वेश्चन फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में भी। एमसीक्यू में कोई चेंज नहीं था, 20 का 20 आपको अटेम्प्ट करना था, लेकिन इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चन में आपको सॉल्व अभी भी 5 क्वेश्चन करना था और आपको मिल रहे थे 10 क्वेश्चन, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए आपको एक अल्टरनेट क्वेश्चन दिया जा रहा था जिसमें आप सेलेक्ट करते थे कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, जो आपको ईजी लगता था, जो जिस पर आपका स्ट्रेंथ अच्छा होता था आप उस क्वेश्चन को करते थे। लेकिन अभी यानी कल जो नोटिफिकेशन आया है 17 अक्टूबर को, जो यहां पर डिस्प्ले भी किया हुआ है जिसमें देखिए साफ तौर पे लिखा हुआ है, यहां पर साफ तौर पे बोल्ड करके लिखा गया है, सेक्शन बी विल बी कंटेंस 5 क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट एंड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चन विदाउट एनी ऑप्शन फॉर सेलेक्शन इन जेई मेन 2025। यानी अब ये फिर से आपको एक बार 2019 में जो पैटर्न सेट किया गया था उसी पैटर्न के तहत एग्जाम देना है, यानी टोटल आपको 25 क्वेश्चन मिलेगा हर एक सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ में, और 25 में 25 आपको करना है, यहाँ पर कोई भी अल्टरनेटिव क्वेश्चन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, यानी जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं उतने क्वेश्चन करके आने हैं। तो बच्चों अब जिस तरह से पैटर्न में चेंज आ रहा है एनटीए के द्वारा जो भी नोटिफिकेशंस दिए गए हैं, तो बच्चों आपको तैयार हो जाना होगा क्योंकि अब एग्जाम डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि अब आपके पास च्वाइस नहीं है, जो क्वेश्चन मिलेंगे उसको अटेम्प्ट करना है। अभी भी आपके पास जो भी 90 डेज के अप्रॉक्स बचे हुए हैं उसमें आप पूरा जीतोड़ मेहनत कीजिए, अपना सब कुछ लगा दीजिए, निश्चित तौर पर आप अच्छा करेंगे, लेकिन आपको मेहनत करना होगा।